ओके थोड़ा ज्यादा हो गया, करवा लेना चाहिए था। अरे मैं तो बोल ही रही थी कर ले कर ले, लेकिन नहीं सुनते कहाँ हैं आजकल के जिद्दी बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा बेटा भी बड़ा जिद्दी है। कहता है कि अगर बीटेक में 95% आ गए तो कैलिफोर्निया जाएगा पढ़ाई के लिए। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? जी वो अंकल मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। टिकटॉक वगैरह बनाते हो क्या बेटा? नहीं अंकल मैं कार्टून्स बनाता हूँ। अच्छा वो मोटू पतलू जैसे ना? जी अंकल वैसा ही कुछ। अरे लेकिन बेटा ये सब तो हॉबीज के लिए ठीक है, करियर के लिए थोड़ी ना। वो तो मैं रोज ही समझाती हूँ इससे। मैं क्या कहता हूँ भाभी जी, आसाम में इन सब चीजों का स्कोप ही नहीं है। अरे आसाम छोड़िए, इंडिया में ही स्कोप नहीं है इन सब चीजों का। आप इसको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल देते? अबे ओ इंजीनियरिंग के चूजे, चुपचाप काजू ठूस और निकल यहां से। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में डाल दीजिए, पढ़ाई में मेरा बेटा मदद वदद कर देगा इसकी, क्यों है ना बेटा? हाँ जी अंकल, आप काजू लीजिए ना। अरे बस बस बेटा, पहले ही 2-3 खा चुका हूँ। मेरी मम्मी को पता है कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, बट शी इज नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि कुछ अचीव ही नहीं किया ना अभी तक। सारा दिन खाली कार्टून बनाता रहता है, जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता? खा खा के घर पे पड़ा रहता है बस। हाँ अगर मैं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके लाखों में ब्रांड डील्स कर रहा होता तब बात अलग होती, बट फॉर नाउ शी जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर, क्योंकि उनको ये यूट्यूबर एनिमेटर वगैरह समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि इन सब चीजों में कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनको तो गिन चुन के सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट या फिर लॉयर। अगर मैं इनमें से किसी एक को परस्यू करता तो अकॉर्डिंग टू माय मॉम आज उनकी नाक सोसाइटी के सामने नहीं कटती, क्योंकि तुम कभी पड़ोस वाली आंटी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि हमारा बेटा यूट्यूबर बन गया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके। नहीं, वो बोलेगी कि हमारा बेटा सिविल इंजीनियर बन गया, दुबई में नौकरी लग गई है उसकी। साली बुढ़िया। एंड एट दैट मोमेंट मेरी मम्मी को थोड़ा अशेम्ड फील होता है, क्योंकि उनका बेटा नालायकों की तरह घर पे पड़ा रहता है और हाँ कार्टून्स भी बनाता है, बट उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मैंने खुद को ही पार्टी दे दी। यस, मिरिंडा की बड़ी वाली बोतल। क्या मतलब जिस दुकानदार ने दिया था उसे कोरोना है। बट जब मैंने ये बात मम्मी को जाके बोला, मम्मी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ तो सब्सक्राइबर्स से ही पेट भर ले फिर। कुछ कमाया तो होगा नहीं, अगर कुछ कमाया है तो जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दे। तेरे कंप्यूटर के वजह से कितना बिल आया पता तुझे? शी डजंट गिव अ फुक। हाँ अब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को प्राउड फील नहीं होता, शी डज फील प्राउड समटाइम्स जब मेरे रिलेटिव्स कॉल करके उनको बोलते हैं बाबू वीडियो तो सलून है बहुत दुनिया बनाई से सुन, विच मींस उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उनको वो पसंद आई और वो मेरी तारीफ मेरी मम्मी के सामने कर रही है। एंड ऐसे मोमेंट पे मेरी मम्मी क्रेडिट लेना कभी नहीं भूलती। हाँ बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मैं ही तो आइडियाज देती हूँ उसको। अभी मैं बोली रही हूँ उसको अपनी मम्मी के ऊपर बनाओ, कितनी मेहनत करती है मम्मियाँ, झाड़ू पोछा बर्तन। So now let me tell you, मेरे वो स्ट्रगल के दिन, कैसे मैं बना अनन्य, मेरा मतलब एनिमेटर। किसी को फर्क नहीं पड़ता। ए तो चुप रहे बे। 7th स्टैंडर्ड की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एनिमेटेड मूवी दी थी पेनड्राइव में डाल के, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो मूवी तुम सभी ने देखी है। How to Train Your Dragon. मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी होती ना तो आज मैं एनिमेशन नहीं कर रहा होता। लाइक सीरियसली, मुझे वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई कि आई वांटेड टू नो कि लोग बनाते कैसे हैं ये सब, क्योंकि कार्टून्स मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ बट कभी ये थॉट दिमाग में नहीं आया कि इन सबको बनाते कैसे है। बट व्हेन आई वॉच दिस मूवी आई डोंट नो व्हाई बट मैं इमोशनली अटैच हो गया था उन कैरेक्टर्स से। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट अमेज मी अ लॉट कि एक कंप्यूटर पे बने मॉडल पे ये लोग वॉइस एंड पर्सनैलिटी डाल के दे जस्ट ब्रिंग्स देम टू लाइफ एंड दे डू इट सो परफेक्टली कि हम लोग उन फिक्शनल कैरेक्टर्स से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एनीमे का एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोगों ने MHA देखी है तो इस सीन पे डेफिनेटली रोयोगे। मैं तो फूट फूट के रोया। जोक्स अपार्ट, जिस दिन मैंने वो मूवी देखी ना
आई जस्ट फाउंड माई पर्पस। बट ये बात मम्मी को कौन समझाए, उनको तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना था क्योंकि मैं निगेटिव और पॉजिटिव वायर लगा के बल्ब जला देता था। या आई नो एक बच्चा भी कर लेगा ये, बट मेरी मम्मी उसी को देख के चौंक जाती थी। हाय मेरा छोटा इंजीनियर, देखा कैसे लाइट जला दिया। अरे मेरी प्यारी मम्मी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना ये, बल्ब भी तो जलाया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंजीनियर बना दोगे। कुछ भी। Anyways, मैं क्लास 7 से मम्मी को बोलते आ रहा था कि मुझे एनिमेशन सीखना है, बट उन्होंने कभी सीरियसली लिया नहीं क्योंकि उनको लगा था अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर कार्टून्स वगैरह से इंटरेस्ट हट जाएगा। नोप, मैं धीरे धीरे 10th पहुंचा, फिर कॉलेज भी पास आउट कर लिया, बट स्टिल एक ही रट लगाए बैठा था कि मुझे डिग्री लेनी है तो सिर्फ एनिमेशन की। एंड तब मम्मी थोड़ी सीरियस हो गई क्योंकि मेरे फ्यूचर का सवाल है भाई। सो मम्मी ने थोड़ा टाइम लिया एंड काफी सोचने के बाद फाइनली मम्मी ने मेरा एडमिशन BCA में करा दिया। या बैचलर ऑफ कंप्यूटर। हाँ पता है, गवार नहीं है हम लोग। ओके डैम बिच। सो या मैं एनिमेशन की डिग्री नहीं ले पाया। वन ऑफ द रीजंस इज कि मेरी कोर्स फीस 4 लाख की थी एंड मेरी मम्मी उतना पैसा एक ऐसे करियर ऑप्शन पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जिसका कोई फ्यूचर ना हो, अकॉर्डिंग टू माई मॉम। तो मेरा सपना सपना ही रह गया, बट आई नेवर गेव अप। अब जब पता चला कि पेरेंट्स से तो कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला तो निकल पड़े खुद ही पेंसिल और पेपर लेके। बिसाइड्स मैंने क्लास 9 से ही एनिमेशन सीखना चालू कर दिया था थ्रू अ बुक कॉल्ड एनिमेटर सर्वाइवल किट। मैं डेली प्रैक्टिस करता था पेपर पे ड्रॉ करके, बिकॉज तब मेरे पास सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थी। सो आई स्टार्टेड ऑफ doing it the traditional way। एक ग्लास टेबल है हमारे घर पे जिसके नीचे मैं लाइट लगा लेता था और ऊपर पेपर रख के फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करता था। उफ ये स्ट्रगल। फिर धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स देखना चालू किया एंड इवेंचुअली आई लर्न हाउ टू यूज फ्लैश जिस पे तुम एनिमेशन कर सकते हो। एंड या जस्ट लाइक दैट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube एंड हियर आई एम विद ओवर 8000 फकिंग सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू यू गाइस एंड मॉम, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई विल प्रूव यू रॉन्ग समडे एंड आल्सो मेक यू प्राउड cuz आई लव यू। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, 10K करा दो यार। एनीवेज मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि मैं तुम लोग को बता सकूं कि इवन इफ योर पेरेंट्स डजंट सपोर्ट योर पैशन यू कैन स्टिल कीप ऑन डूइंग इट। बस एक्सक्यूजेस देना बंद करो यार। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी कि मेरे पास अच्छा PC नहीं है, मेरे पास ड्राइंग टैबलेट नहीं है, तो पेपर पे ड्रॉ करो ना यार। आई मीन एक पेपर और पेंसिल तो सबके पास होगा आई गेस। सो या बस ये कहना था मुझे। एनीवेज थैंक्स टू कीर्ति एंड रिया फॉर लैंडिंग देयर वॉइसेस, मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो चेक देम आउट, दे बोथ मेक ऑसम कंटेंट। हालांकि वो लोग मुझसे ज्यादा फेमस है बट फिर भी चेकआउट कर लेना अगर नहीं किया है तो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली हमने डिस्कॉर्ड सर्वर खोल लिया है, तो इफ यू गाइस वांट टू जॉइन वेलकम टू द मिरिंडा गैंग, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। मैं शाम को कभी कभी अमंग अस खेल लेता हूँ तो आ जाना तुम भी अगर खेलना हो मेरे साथ तो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। টকা নাই টুকুলে কোনেও মরমর সবই কোনো কা নাই তোর তো টকা নাই হবতে তাতে নুকি তু হলে কোনো কথা নাই।